मुल्क के अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हम 4-4 साल तक पेशिया और 2-2 साल सजाए मौत की चक्की में रहे। निज़ाम इंसाफ और ओपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया गया, आज सब सुरखरू हो गए। तासर दिया जा रहा है कि लाडले हैं, फैसले आ रहे हैं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों को नेशनल क्राइम एजेंसी से भी मुंह पर थप्पड़ पड़ा। शहजाद अकबर मरियम नवाज के कमरे में कैमरे लगाकर देखता था। 2018 में एक प्रोजेक्ट को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। 2018 से लेकर 2022 की नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन, मुल्क का सत्यानाश, मुल्क की मईशत तबाह, नौजवान रोटी जो थी 2 रुपए से 20 रुपए किसकी वजह से हुई? आपने तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर ली। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया इमरान खान का, शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नूर के साथ बदला लेते, उनको नुकसान पहुँचाते, पाकिस्तान अवाम को वो नाकाबले तलाफी नुकसान पहुँचा दिया। आपके 3-3 दफा के मुंतखब वजीर आजम बार बार उन पर ना, क्या नुकसान हो गया? हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो आज भी वहीं बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से, अवाम के साथ बैठे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो गया, लेकिन जो अवाम का नुकसान हुआ उसको ठीक करने का हमारा मकसद, और हम अदालती निज़ाम को भी ठीक करेंगे, हम ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इसको भी ठीक करेंगे। पॉलिटिकल एवोल्यूशन है कि एक जमात का लगाया हुआ नारा आज पाकिस्तान की बाकी जमातें भी वो नारा लगा रही हैं और इस बात को एंडोर्स कर रही हैं कि वोट की इज्जत होनी चाहिए।